असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद ब्राइनीज किचन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल एग करी बनाने की रेसिपी और इसे बनाना बहुत आसान है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं बस आसान तरीके से बनाना बताने वाली हूँ और इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेलाइकन को हिट करना ना भूलें जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चलिए देखते हैं ये एक करी हम किस तरह से बनाने वाले हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड इसके लिए सबसे पहले मैंने दो मीडियम साइज के अनियन लिए थे और जिन्हें पील करने के बाद मैंने रफली चॉप कर लिया था तो यहाँ पर एक अनियन को मैंने रफली चॉप किया था जिसे मैं ग्राइंडिंग जार में ऐड करूँगी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो हमने अनियन लिया था जिसे हमने बारीक चॉप किया था उसे साइड में ही रखेंगे उसे हम करी बनाने में यूज़ करेंगे यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को हीट कर लिया है और ये बॉइल्ड एग्स हैं जिन्हें मैंने ऊपर से इस तरह से आग लगा लिया है और ऐसा करना ज़रूरी है अदरवाइज़ कभी कभी होता है कि एग ऑयल में जाने के बाद फट जाता है एंड इट्स रियली हार्मफुल तो आपने भी एक बार या तो आप टूथ पिक के साथ इसे प्रिक कर दें या फिर किसी भी नाइफ से इसको एक बार प्रिक कर दें या इस तरह से आग लगा लें और फिर ही एग को फ्राई करें तो यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया था एग को और जब ये अच्छे से बॉईल हो गए फिर पील करके आग लगाया और यहाँ पर ऑयल को हीट करके फिर इसमें हम सारी तरफ़ से अच्छे से इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पर एग को फ्राई करने के लिए बीच बीच से आप इसे पलटते रहें और कोशिश करें कि हर तरफ से बिल्कुल इक्वली कुक हो अच्छा इसे फ्राई करते वक्त बीच में ही मैंने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ में ही टर्मरिक पाउडर डाल दिया था ऊपर से इसी तरह से आपने स्प्रिंकल कर देना है और इसके बाद जब आप इसे एग को फ्राई करेंगे तो इसमें अच्छे से वो कोट हो जाएगा अब ये एग्स अच्छे से फ्राई हो चुके थे आउटर लेयर की क्रस्प हो चुकी थी फिर मैंने इसे बाहर निकाल लिया एक प्लेट पर और ये देख सकते हैं आप तो चलिए इन एग्स को साइड में रख देंगे और यहाँ जो ये ऑयल बचा है इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन वन टी स्पून ग्राम फ्लोर और इसे इसलिए डाल रहे हैं जैसे कि ऑयल भी अच्छे से यूज़ हो जाए और इसके साथ में ही हमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा ग्राम फ्लॉर चाहिए था तो इसके लिए इसे हम रोस्ट करके ही यूज़ करेंगे और ऐसे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे हमारा जो ऑयल है वो भी यूज़ हो जाएगा और ये हमारा जो फ्लार है ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा बस आपने इसे तब तक के लिए पकाना है जब तक इसमें से एक बहुत प्यारी सी एक क्लीजन सी स्मेल नहीं आने लगती और आपने बीच बीच में इसे ज़रूर चलाते रहना है अदरवाइज़ ये जल जाएगा और फिर हमारी पूरी ग्रेवी में उसका जो है स्वाद नहीं आएगा तो इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे से चलाते हुए फिर पकाना है तो बस ये हमारा जो फ्लावर था ये ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका था मैंने इसे साइड में कर दिया बाकी ये कढ़ाई की हीट के साथ बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा आप लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई और यहाँ पर मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है आप किसी भी तरह के वेसल का या फिर आप पैन यूज़ करना चाहें उसमें भी बना सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई को हीट कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे कर ऑयल तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर हम चिकन या फिर मटन ये सब नहीं बना रहे जिसमें ऑलरेडी फैट्स होते हैं तो यहाँ पर हमें बाहर से ही फैट्स देना पड़ेगा ग्रेवी को और ऐसे करने के लिए आपने ऑयल को ज़्यादा ही यूज़ करना पड़ेगा तो बस जब ये ऑयल अच्छे से हीट हो गया मैंने इसमें ऐड कर दिया ये सिनेमन स्टिक और इसके साथ में ही तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये मैंने इसमें क्यूमिन ऐड कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अनियन जिसे हमने इस तरह से बारीक चॉप करके रखा था और अब इसे हम अच्छे से कलर आने तक के फ्राई करेंगे बीच बीच में आप चाहें आप इसे स्टर भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ में ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये वन टीस्पून गार्लिक पेस्ट और इसके साथ में ही हम इसमें और भी सारे स्पाइसेस इस वक्त ही ऐड कर देंगे जैसे कि साथ साथ में हमारी ग्रेवी भी प्रिपेयर हो जाए तो यहाँ सबसे पहले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ये रेड चिली पाउडर और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी तीखा पसंद कर सकते हैं उस तरह से आप इसमें रेड चिली पाउडर का कर यूज़ करें अदरवाइज़ आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप रेड चिली पाउडर को अवॉइड करते हैं तो और इसके साथ में ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये और पाउडर जिसे मैंने यहाँ पर टू टी स्पून ऐड कर दिया है और इसके साथ में ही मैं इसमें ऐड करूँगी जो पेस्ट हमने बना कर रखा था अनियन का तो यहाँ पर बिना पानी के मैंने इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया था और बस इस पेस्ट को मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे तब तक ही पकाएंगे जब तक इसमें से दोबारा ऑयल ना रिलीज़ होने लगे अभी जैसे जैसे हम इसे स्टर करते जाएंगे उस तरह इस से इसमें से ऑयल आप देखेंगे गायब होता जाएगा और इसके बाद जैसे जैसे ये ग्रेवी बहुत अच्छे से भुनती जाएगी इसमें से ऑयल दोबारा रिलीज़ होने लगेगा तो हमें उस स्टेज तक के इसे बहुत अच्छे से पका लेना है और यहाँ पर मैंने इस जार को क्लीन करने के लिए बहुत थोड़ा सा बस पानी इसमें डाल दिया था क्योंकि अभी हमें ग्रेवी को अच्छे से भूनना है और ऐसे में पानी डालने का कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर मैंने इसमें साथ साथ में ही ये सॉल्ट भी ऐड कर दिया है यहाँ मैंने वन टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है और अच्छे से करेंगे इसे मिक्स और देख सकते हैं इसमें से ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है बस इसी तरह से हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये कम्प्लीटली ऑयल रिलीज़ ना कर दे और इसके साथ साथ में हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर मैं टोमेटो प्यूरी भी इसमें ऐड करूँगी जिससे ग्रेवी और ज़्यादा अच्छे से फॉर्म हो जाए तो जिसके लिए मैं यहाँ पर तकरीबन तीन टमेटोज़ ले रही हूँ मीडियम साइज़ के और इसे फ्योरे कर लेंगे और इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे ग्रेवी में तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार में इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है और इसके बाद ही हम इसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे आप चाहें आप टटोज़ को बहुत बारीक सा कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से हल्का सा इसमें जहर पी बाद में नज़र आता है तो इसलिए यहाँ मैंने पेस्ट बनाकर यूज़ किया है और क्योंकि रेस्टोरेंट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी तो वैसे ही मैंने भी यहाँ पर फॉर्म की है इसके बाद जो हमने बेसन को रोस्ट करके रखा था उसे भी इस ग्रेवी में डाल दिया है और अच्छे से कर देंगे मिक्स और बस अब आपने इसे सिम कर देना है बिल्कुल सेम फ्लेम पर आपने इसे धीरे धीरे से सेकने से देना है जितना ज़्यादा ये सीखेगा उतना ज़्यादा इसमें से ऑयल रिलीज होगा और ये बहुत अच्छे से ग्रेवी फॉर्म करेगा हमारी और यहाँ इस ग्रेवी में तकरीबन दो से तीन टी थी स्पून मैंने ये फ्रेश कर्ड यूज़ किया है और आपने कर्ड को पहले अच्छे से बीट कर लेना है फिर आप इसमें यूज़ करें अदरवाइज़ इसमें लम्स फॉर्म हो जाते हैं और अगर आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो आपने फ़ौरन ही इसे अच्छे से चला देना है अच्छे से स्टर कर देना है जिससे कि बिल्कुल ये लम्ब नहीं फॉर्म होनी चाहिए और यहाँ हमारी टोमेटो प्यूरी भी बिल्कुल रेडी थी ग्रेवी भी हमारी ऑयल रिलीज़ करने लगी थी इस स्टेज पर मैंने इसमें ये प्यूरी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके हम अब इसे कवर करके कुक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड किया है और ऐसा करने से इसमें बहुत सारे इस तरह से बबल्स आते हैं और अभी हमें इसे काफ़ी देर तक ये कुक करना है तो ऐसे में हमारा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा अगर हम इसे ओपन करके ही पकाएँगे तो हम फटाफट से इसे कर देंगे कवर और इसके बाद जब इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाएगा बहुत अच्छे से कुछ इस तरह से फिर ओपन करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब ये जो हमारा मसाला है ग्रेवी के लिए बिल्कुल परफेक्टली डन है अच्छा क्योंकि आज हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं सिंपल एग करी तो इसके लिए यहाँ मैंने फ्रेश क्रीम का भी यूज़ किया है आप चाहें आप अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने नॉर्मल घर वाली क्रीम को ही यूज़ किया है और ऐसा करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलर भी बहुत प्यारा आता है ग्रेवी में तो आप भी ज़रूर अपने व्यूज़ इस टॉपिक पर शेयर कीजिएगा कि आपको ये ग्रेवी कैसी लगी तो अच्छे से इसे मिक्स कर देने के बाद हम थोड़ा सा और पकाएंगे और इसके बाद आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें पानी डाल सकते हैं और जिस तरह से भी आप ग्रेवी की थिकनेस रखना चाहते हैं उस तरह से आप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं लेकिन इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से कर देना है मिक्स क्योंकि जो भी पाउडर मसाले हम ऐड करते हैं क्योंकि मसाला काफ़ी थिक है तो कई बार ऐसा होता है कि लम्ब्स जैसे फॉर्म हो जाते हैं तो आपने इन कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स का ध्यान रखना है और क्योंकि जब लम्स फॉर्म हो जाते हैं तो ये ग्रेवी में अच्छे से मिक्स नहीं होता और फिर टेस्ट भी नहीं आता है और यहाँ पर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है तो बस इस तरह की थिकनेस चाहिए मुझे ग्रेवी की और मैं इस तरह से ही रखूँगी आप जिस तरह से भी कम या ज़्यादा पसंद करें इसकी कंसिस्टेंसी थिकनेस उस तरह से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं अब क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल पानी यूज़ किया था इसलिए एक बार ग्रेवी में बॉईल आना ज़रूरी है तो बस पानी डालने के बाद आपने इसे फिर से कर देना है कवर और दो से तीन मिनट में आप देखेंगे ग्रेवी में इस तरह से बॉईल आने लगेगा बस इस तरह का ही हमें चाहिए था और इसके बाद अब आप इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के खाने के साथ आप इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हैं एग्स यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ इस सेम ग्रेवी के साथ बनती हैं तो यहाँ पर जो हमारे फ्राइड एग्स थे उन्हें मैंने इसमें एक एक करके ड्रॉप करना शुरू कर दिया है और बस इसके बाद आप इसे एक मिनट के लिए और कुक करें जिससे कि एग्स में भी बहुत अच्छे से ग्रेवी जो है जज्ब हो जाए और इसके बाद आप इसे गार्निश करें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ एंड अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना ना भूलें चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें एंड या दिस इज़ इट फॉर माई टूडेज़ वीडियो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ टिल देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय बाय सी यू ऑल वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो